गाइस कैसे हो आप सब। आज हम ये वाला लेसन करेंगे, कभी ना कभी तो मिलोगे। ये काफी ट्रेंडिंग सॉन्ग है इन दिनों इंस्टाग्राम पे, बड़ी जगह आपने सुना होगा एंड काफी अच्छा भी एट द सेम टाइम। गिटार पे बजाने के लिए काफी अच्छा गाना है ये। इसको हम सीखते हैं। उससे पहले ये गिटार है टेंगलवुड का गाइस, ये ट्रैवल साइज गिटार है, इलेक्ट्रोकूस्टिक, बड़ा छोटा सा है एंड काफी अच्छा है। वॉइसिंग तो आप सुन ही रहे हो, रॉ साउंड है बिल्कुल, ठीक है। एंड चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको गिटार सीखना है मेरे से 1-to-1 पर्सनल ऑनलाइन, तो आप वो भी सीख तक सकते हैं। मेरे को इस मेल एड्रेस पर मेल करें, ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो एक गाना सीखने के लिए हमें कैपो लगाना है 4th फ्रेट पे, अदरवाइज आप सी शार्प माइनर वो वाले कॉर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी मेजर, ए मेजर, जी शार्प मेजर। नहीं तो आप सिंपल कैपो लगाएं 4th फ्रेट पे। जो कॉर्ड्स हैं वो है ए माइनर, एक कॉर्ड है जो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है वो है एफ। अब आप हाफ बार करके लगाएं, या पहली फिंगर को, पहली स्ट्रिंग को ओपन ही रखें वो भी कर सकते हैं, या फिर फुल बार लगाएं, जो आपकी चॉइस है, ठीक है। एफ मेजर 7 भी लगा सकते हैं, लेकिन वॉइसिंग वैसी नहीं होगी। तो ए माइनर, एफ मेजर, जी आसान है, ओपन लगा सकते हो, एंड ई मेजर आसान, एंड एक पॉइंट पर डी माइनर भी लगेगा बीच में, वो भी आसान है। जो स्ट्रमिंग है सिंपल हम रखेंगे, आप चाहो तो पूरे गाने के लिए वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो है डाउन चकअप अप चकअप। सिंपल हम रख रहे हैं डाउन चकअप अप चकअप, यहां आप ले सकते हो डाउन अप चकअप अप चकअप, सिंपल वेरिएशन कोई ज्यादा नहीं है। डाउन चकअप अप चकअप, डाउन चकअप अप चकअप, डाउन चकअप अप चकअप, डाउन चकअप अप चकअप। सिंपल ये वाली स्ट्रमिंग, और एक जगह पे हम थोड़ी फास्ट स्ट्रमिंग कर रहे हैं, वो वाली इस टाइप से चलेगी, डाउन अप चक अप डाउन, ठीक है। जैसे ही आप डाउन अप चक गए, यहीं से अप डाउन आना आपको, ये थोड़ी सी तेज ऐसे, ठीक है। डाउन अप चक अप डाउन, तो जब वो वाली लाइन आ रही है ना थोड़ी फास्ट वाली, तेरी जिंदगी ओके। तो जो इसके इंट्रो वाले जो हम टैब्स कर रहे थे वो काफी आसान है, इस टाइप से चलेंगे। टैब्स हैं स्क्रीन पे, आप मजे से देखो। ठीक है, सिंपल इसमें हैमर एंड, जैसे हैमर एंड पुल ऑफ होगा, उस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। जैसे 4/6 लिखा है, तो उसका मतलब है 4 पे मार के स्लाइड करना है, स्लैश का मतलब है स्लाइड, ठीक है। जिस भी नोट पे लिखा होगा, जैसे 4 मार के 6 लिखा, तो ऐसे करना है। तो अब वही हैमर एंड पुल ऑफ, हैमर एंड पुल ऑफ, इधर भी वही सेम चीज, 4 से 6 हैमर एंड पुल ऑफ 4, 4 से 6 हैमर एंड पुल ऑफ 4, ठीक है। तो सिंपल अब दूसरी लाइन, वो भी वही सिंपल लाइन है, वही स्लाइड्स एंड हैमर चल रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रो वाले टैब्स हैं, बस आपने आगे क्या करना है, ऐसे सिंपल ये वाली 3 स्ट्रिंग्स होल्ड करनी है, 1, 2, 3 सेकंड फ्रेट पे, ठीक है। ऐसे तीनों को एक साथ ऐसे मार के बस ऐसे कर देना, ओके। एंड देन उसके बाद वही स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ओके। तो ये सिंपल, अभी हम करते हैं सोलो वाले टैब्स, उसमें थोड़ा सा हैमर एंड पुल ऑफ ज्यादा है, तो वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, वो ऐसे चलेगा।
फर्स्ट पार्ट, ठीक है? देन सेकंड पार्ट, तो सिंपल है ये, चाहे आप ये वाले करना, या ये वाले करना सोलो वाले, जो मर्जी करना। कॉर्ड्स देख लिया आपने, टैब्स देख लिए, ऐसे आपको और लेसन चाहिए तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है? सिंपल इजी, कोई भी नया पुराना कोई भी गाना चाहिए, थ्योरी लेसन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मेरे को बताना, हम सारे करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग। पुराने वीडियोज भी देखें, नए वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।